सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं वेदर स्टॉक्स एंड ऑप्शंस में, तो आजकल एक बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं टॉपिक चल रहा है कि सर क्या ट्रेडिंग आवर्स को एक्सटेंड कर दिया गया है क्या। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोग का अभी का जो ट्रेडिंग आवर्स था, कैश का ले लें या फिर अगर आप डेरिवेटिव का ले लेंगे, वो होता था हम लोगों का फ्रॉम 9 AM टू 3:30 PM। बट अभी जो सेबी ने अनाउंसमेंट किया है रिसेंट पोस्ट में, उसमें उन्होंने बोला है कि जो कैश मार्केट है वो हम लोग कर देंगे फ्रॉम 9 AM टू 5 PM, और जो डेरिवेटिव मार्केट है वो हो जाएगा हम लोग का फ्रॉम 9 AM टू 11:55 PM, रात के 12 बजे तक मान के चल सकते हैं आप। तो अगर ये ऐसा होता है तो पहली बात तो इतनी अफवाहें फैल रही हैं कि ऐसा अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ गए तो ट्रेडर्स का लॉस होगा, ट्रेडर्स बर्बाद हो जाएंगे, स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, ऑप्शन सेलर खत्म हो जाएगा, BTST का स्कोप खत्म हो जाएगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव, जिससे कि आपको सही से क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या फ़ायदे होने वाले हैं एंड साथ में क्या नुकसान होने वाले हैं। डेफिनेटली मैं पॉजिटिव रहता हूँ तो नुकसान तो बहुत ही कम है। एंड इसके अलावा अगर ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड किए जाते हैं, बिकॉज अभी बात चल रही है, तो हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करने वाले, बिकॉज डेफिनेटली ट्रेडिंग आवर्स बढ़ेंगे तो सर आपकी स्ट्रैटेजीज में और ट्रेड बनेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा ट्रेड करने का। तो एक बहुत बढ़िया प्लान बताने वाला, अगर आप जॉब करते हैं तो आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज जॉब वालों को ही सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कि टाइम नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में सभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक चीज़ और, अगर आप जाके देखेंगे ना, तो जो फॉरेन के मार्केट्स, US मार्केट देख लीजिए या फिर आप यूरोपियन मार्केट्स देख लीजिए या फिर आप जापान का मार्केट देख लीजिए, जो मेजर मार्केट्स हैं हम लोगों के मार्केट से, अगर उनका प्री सेशन मार्केट एंड प्लस लाइव मार्केट को ऐड किया जाए, तो हमारे मार्केट से उनके जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं NSE एंड SEBI ने भी ये सोचा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या बोलते हैं एक्सटेंड आवर्स किए जाएँ। डेफिनेटली जब इम्प्लीमेंट होगा तो अपने को सभी को पता चलने वाला है, बट फायदे क्या है नुकसान क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्ट्रेटजी होने वाली है वीडियो क्लास में बताने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में आपको क्या लगता है कि अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा नुकसान होगा रिटेल ट्रेडर्स का, या फिर बड़े प्लेयर्स का फायदा ही होगा क्या, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग सीधे फायदे से चालू करेंगे, बिकॉज फायदे पे ही मैं बिलीव करता हूँ, वी विल बी पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, जॉब वाले लोग, कि जितने जॉब वाले लोग थे, जो लोग कंप्लेन करते थे कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, जब मैं आता हूँ तब तक मार्केट बंद हो चुका होता, तो उनके लिए बहाना नहीं रहेगा, बिकॉज उनके पास भी बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा समय मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर आप जाके देखेंगे तो US मार्केट लगभग ओपन होता है 7:30 के पास। अब अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके पास एक बहुत बढ़िया फायदा क्या है कि अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं US मार्केट के थ्रू, आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी तो 3:30 बजे बंद हो गया, अब जब तक मार्केट कल खुलेगा नहीं, US मार्केट क्लोज नहीं होगा, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बट अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और अगर मार्केट में सिनेरियो में चेंज हुआ कुछ, ठीक है, तो आप अपनी पोजीशंस को उसी दिन मैनेज कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लॉस बुक कर सकते हो, या फिर क्वांटिटी ऐड या फिर रिड्यूस, जो भी चाहो आप कर सकते हो। तो सबसे बड़ा दूसरा फायदा आपका हो गया ये वाला। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जब सेबी ने मार्जिन रिड्यूस किए थे तो लोग बोल रहे थे कि ट्रेडिंग कम हो जाएगी, ट्रेड में ये हो जाएगा, मार्केट में वॉलीडिलिटी नहीं होगी, वॉल्यूम नहीं होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सेम चीज़ है, अभी मार्केट के टाइम को एक्सटेंड किया गया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है, ज़्यादा लोग आएंगे बिकॉज लोगों के पास समय है, तो ज़्यादा लोग आएंगे। ज़्यादा लोग आते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो मूवमेंट स्मूथ होती है। इससे क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छी स्ट्रैटजी आपके पास है, अगर आप थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर हैं, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग से बहुत बहुत आसानी तरीके से, सेफ तरीके से पैसा बना पाएंगे। फोर्थ फायदा कुछ लोगों का और भी होगा, ना मेरा ना आपका, एक पार्टी और है, और वो है ब्रोकर्स एंड गवर्नमेंट। जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट होगा, तो उतना ज़्यादा ब्रोकरेज जितना ही जनरेट होगा ब्रोकर्स के लिए फायदा है, बिकॉज जब मार्जिन कम किया गया था तो बहुत सारे ब्रोकर्स अगेंस्ट थे कि मार्जिन कम किया गया है। बट अभी क्या है, ट्रेडिंग आवर्स बढ़ेंगे तो लोग ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स लेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लेंगे तो ब्रोकरेज का ब्रोकरेज बढ़ेगा। तो ये फायदा डेफिनेटली उनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, ओवरनाइट जो रिस्क आपका होता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज अभी मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे और ओपन होता है सीधे फिर अगले दिन 9 बजे। अब क्या होता है ना कि बहुत बड़ा गैप हो जाता है, लेकिन अगर जब मार्केट क्लोज होगा 5 बजे और डेरिवेटिव क्लोज होगा जब आपका 11:30 बजे, तो क्या है ना, जो अदर मार्केट के कंपैरिजन में जो गैप है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा ना कि ओवरनाइट जो आपका रिस्क होता है, जो लगता है कि अरे यार यूरोपियन मार्केट कहाँ क्लोज हुए होंगे, US मार्केट कहाँ क्लोज होगा, मार्केट कहाँ गैप अप होगा, उसका जो सिनेरियो हो वो डेफिनेटली कुछ हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कॉन्स की बात करेंगे, कॉन्स का मतलब हो गया नुकसान, अगर कुछ नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान ये कि हेल्थ इशूज़ में भी निकल के आए कुछ लोग, जो 9 से 3 करते थे, अब वो 9 से 5 करेंगे या फिर 9 से 11:30 करेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज इससे क्या होता है कि ज़्यादा टाइम आप बैठते हैं तो आपको फिर हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट के इशूज़ बढ़ सकते हैं, बिकॉज जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो जानते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। सो ये चीज़ एक हो जाएगी, हेल्थ इशूज़ पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो आप स्ट्रैटजी फॉलो करते थे 9 बजे से 3 बजे तक,
अब मार्केट जब बढ़ जाएगा, टाइम्स बढ़ जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली शायद कुछ स्ट्रेटजीज और अप्लाई करनी पड़े, बिकॉज आपने अभी नॉर्मल मार्केट में ट्राई किया था. अब मार्केट का जब टाइम बढ़ जाएगा डेफिनेटली मुझे लगता है काम करेंगे, तो थोड़ा सा आपको एक बार दो बार उसको ओवरव्यू लेना पड़े एंड डेफिनेटली थोड़े बहुत स्ट्रेटजीज में चेंज करने पड़ेंगे मे बी. तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हो सकता है. फायदे बता दिए, नुकसान बता दिए, प्रोज एंड कॉन्स वी डिस्कस. अब नाउ स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि सर अगर आप टाइम बढ़ता है तो क्या आप कैसे ट्रेड करने वाले हैं अगर टाइमिंग बढ़ गई तो. सिंपल है, अभी नहीं बढ़ी, अभी बात चल रही है. अगर टाइम बढ़ेगा तो कैसे करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है. पहली बात तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम बढ़ेगा इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे. नहीं, मेरा तो नहीं बढ़ने वाला, प्लान बहुत ही सिंपल है. जो भी आप स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं उसी पर फॉलो कीजिए, जो भी आपका रिस्क है उसी को फॉलो कीजिए, जो आपका साइकोलॉजी है उसी को फॉलो कीजिए. अगर आप जॉब में हैं तो आपको डेफिनेटली टाइम मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए. और अगर आपको टाइम मिलता है तो ऐसा नहीं कि अब कुछ लोग क्या है ना कि जैसे 9 से 3 जब करते थे तो उनको लगता था यार 9 से 3 ही टाइम मिलता है, 5-6 घंटे मैं कैसे करूँ. ठीक है, अभी क्या करता हूँ 11 बजे तक या 5 बजे तक तो ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लूँगा. सर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लोगे आपका एक्यूरेसी उतना ही कम होता है. ठीक है, स्पेशली अगर शॉर्टर टर्म मिलेंगे, एक ही दिन में 15-20 ट्रेड लोगे तो कहाँ से आपका क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा. सो प्लान बहुत ही सिंपल है, सेम स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, सेम प्राइस एक्शन, सेम रिस्क मैनेजमेंट, सेम पोजीशन साइजिंग एंड लिमिटेड सेटअप के साथ ट्रेड कीजिएगा. ऐसा नहीं कि दिन भर मार्केट खुला तो दिन भर ट्रेड कर रहे, नहीं. कभी भी मैं इसीलिए कमोडिटी में नहीं गया बिकॉज मुझे लगता था कि नॉर्मल मार्केट्स में ट्रेड करो, 4-5-6 घंटे कर लो, उसके बाद बाहर जाओ. दिन भर और रात भर ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो ये चीज़ आपने डेफिनेटली देखनी पड़ेगी. अब जैसे मान लीजिए आप जॉब से आते हैं आराम से 5 बजे, तो आपके पास डेरिवेटिव मार्केट ओपन है लगभग मान लीजिए कम से कम 11:30-12 बजे, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से कूल होकर बैठिए और फिर आराम से आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है. सो बस इतना ही है, बढ़ेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. एक और वीडियो बना दूंगा, आपको वीडियो कैसी लगी डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा. एंड इसके अलावा थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं ट्रेडिंग लाइव मार्केट में तो डेफिनेटली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक है, धन एंजल जरोदा अपस्टॉक, इसी में अकाउंट ओपन कराइए, फंड ऐड करके ट्रेडिंग कीजिए. और आपको लाइव मार्केट में मैं डेली सपोर्ट करता हूँ विथ स्ट्रैटजीज, लेवल्स, चार्ट्स, प्राइस एक्शन एंड माइंडसेट, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन लाइव मार्केट. सो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं, लगभग 3000 मेंबर्स हम लोगों के साथ लाइव में जुड़ते हैं. तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.